विंडो 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 ये आपका विंडो ये वेंटिलेटर विंडो वेंटिलेटर वेंटिलेटर और आपका ये विंडो और आपका एक विंडो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत मैं हूँ सिविल इंजीनियर प्रीतीश दोस्तों आज आप लोगों के लिए 25 फीट बाई 45 फीट घर का नक्शा का डिज़ाइन लेके आए हैं दोस्तों दोस्तों इस प्लान में इस नक्शा में आज हम देखेंगे इसमें आपका कितना रूम रहेगा किस कितना आपका पिलर रहेगा और दोस्तों घर बनाने के लिए इस नक्शा में घर बनाने के लिए आप लोगों को कितना खर्चा पड़ेगा आज के तारीख में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको अगर वास्तु के अनुसार घर का नक्शा चाहिए दोस्तों तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिए हमारा जो कंटैक्ट नंबर है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है आप जाके चेक कर सकते हैं सारा का सारा डिटेल्स आप वहाँ पर भेज सकते हैं अगर आप हमारे सर्विस के बारे में बातचीत करने के बाद ही आप हमें पेमेंट कीजिए क्योंकि ये एक पेड सर्विस है दोस्तों अन्यथा आप किस व्यक्ति को पेमेंट ना करें दोस्तों दोस्तों चलते हैं यहाँ पे आप देखिए पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपका दिशा हो गया दोस्तों तो आपका जो एंट्री रहेगा घर में वो नॉर्थ की तरफ से रहेगा दोस्तों जो कि वास्तु के मुताबिक बहुत ही बढ़िया है बहुत ही शुभ है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे नॉर्थ की तरफ से दोस्तों तो पार्किंग का जो साइज रहेगा आप लोगों का छह फीट इस तरफ से रहेगा और दस फीट इस तरफ से रहेगा देखिए आप यहां पे फोर व्हीलर पार्क नहीं कर सकते आप यहाँ पे चार पांच बाइक वगैरह आराम से दोस्तों पार्क कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप ये जो रूम देख रहे हैं दोस्तों ये आपका लिविंग रूम दोस्तों आ गया लिविंग रूम का जो साइज़ रहेगा आपका दस फीट एक इंच आपका इस तरफ से रहेगा और आपका तेरह फीट तेरह फीट छः इंच आप लोगों को पूरा इस तरफ से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये वाला पर्सन आपको तेरह फिट छः इंच मिलेगा और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है क्यों यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों दोस्तों देखिए लिविंग रूम है ये आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं दोस्तों देखिए कोई भी मेहमान अगर आएंगे तो अगर उनको टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा अगर ज़रूरत होगा तो वो थोड़ी ना घर के अंदर जाके कहीं पे टॉयलेट यूज करेंगे तो उनके लिए बाहर के तरफ से ही वहाँ पे एक टॉयलेट रखा गया है दोस्तों ताकि आपके घर में एक प्राइवेसी दोस्तों बना रहेगा एक प्राइवेसी मेंटेन होकर रहेगा दोस्तों मेहमान जो आते हैं कई अनजान मेहमान भी आते हैं अगर अचानक कुछ जरूरत हुआ तो आप यहाँ से वो आराम से यूज कर सकते हैं तो इसके वजह से ही यहाँ पे ये यह टॉयलेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इसका जो साइज रहेगा आपका चार फीट दोस्तों इस तरफ से रहेगा छः फीट आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा ये हो गया आपका टॉयलेट का पर्सन दोस्तों तो वहां से आप यहाँ पे अगर आएंगे दोस्तों तो आप लोगों को एक बड़ा सा हॉल दोस्तों देखने को मिल जाएगा ये हो जाएगा आपका बड़ा सा हॉल आप बोल सकते हैं आप इसको आज ए डाइनिंग भी दोस्तों यूज कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसका जो साइज रहेगा बीस फिट छः इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा नौ फिट पाँच इंच दोस्तों आप लोगों को इस तरफ से इस तरफ मिल गया दोस्तों ये हो गया हॉल और डाइनिंग काफ़ी स्पेस है और देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दो विंडो यहाँ पे दिया गया है तो वहाँ से आप यहाँ पे अगर आएंगे दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम दोस्तों मिल जाएगा इसका जो साइज रहेगा आप लोगों का दस फीट इस तरफ से रहेगा और ग्यारह फीट छः इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा और एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए तो यहाँ से बगल में आपको पूजा रूम दोस्तों मिल जाएगा ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये पूजा रूम है इसका जो साइज रहेगा फीट दोस्तों इस तरफ से रहेगा पांच फीट दोस्तों इस तरफ से आपका रहेगा ये हो गया पूजा पूजा रूम पुझा रूम का दरवाजा हमेशा दोनों तरफ खुलने वाला आप रखिए वास्तु के मुताबिक वो बढ़िया है बढ़िया शुभ होता है दोस्तों ये हो पूजा रूम तो यहां से अगर यहां पे आप आएंगे और एक बेडरूम यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इसका जो बेडरूम का जो साइज रहेगा दस फीट आप लोगों का इस तरफ से रहेगा तेरह फीट छः इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा ये हो गया बेडरूम यहाँ पे आप डबल बेड लगाने के अलावा आप अगर चाहे इंटीरियर का फर्नीचर वगैरह भी आराम से सेटअप कर सकते हैं काफ़ी स्पेस स्पेस की कुछ भी कमी नहीं है तो यहाँ पे और आपको एक अटैच लेप्ट बाद दोस्तों देखने को मिल जाएगा इस बेडरूम से अटैच इसका जो साइज रहेगा आपका चार फिट छः इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा पाँच फीट दस इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा एक आपका अटच लाटबत है दोस्तों तो उसके बगल में आप अगर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको और एक बेडरूम दोस्तों देखने को मिल जाएगा बेडरूम नंबर वन टू ये हो गया बेडरूम नंबर थ्री दोस्तों इसका साइज के बारे में अगर हम बात करें तो बारह फीट इस तरफ से बारह फीट इस तरफ से कोई भी बेडरूम में साइज लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं पे भी कमी महसूस नहीं होगी आप लोगों को ठीक है दोस्तों ये हो गया बेडरूम तो उससे ही अटैच आपको एक लैट बाद दोस्तों देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे था तो इसका भी सेम साइज़ रहेगा दोस्तों चार फिट छः इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा और पाँच फिट दस इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा ये हो गया आपका अटच लटबात इस बेडरूम से तो वहाँ से यहाँ पे आप अगर रहेंगे दोस्तों तो यहाँ पे किचन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसका जो साइज़ रहेगा छः फीट इस तरफ से मिलेगा और आप लोगों को दस फीट दोस्तों इस तरफ से मिलेगा आप अगर चाहें तो आपके मन मुताबिक आप इसको आज ए मॉडुलर किचन भी दोस्तों यूज कर सकते हैं उसको मडुलर किचन दोस्तों बना सकते हैं तो किचन यहाँ पे यहाँ पे आप अगर डाइनिंग लगाएंगे तो घर के जो महिला हैं उनको खाना परोसने में दोस्तों बहुत ही आसानी होगा दोस्तों तो उसके वजह से देखिए किचन जो है आपका ये हो गया आपका देखिए साउथ ईस्ट ईस्ट आपका साउथ साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय कोण में किचन रखा गया है वास्तु के मुताबिक और पूजा रूम आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान कोण में पूजा रूम रखा गया दोस्तों देखिए जब भी आप घर बना रहे हैं जब भी आप किसी से नक्शा बना रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा दोस्तों आप कोई भी चीज़ वास्तु में मत रखिए मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपका किचन और पूजा रूम हमेशा ही आप ये कोशिश कीजिए कि वास्तु के मुताबिक रखने के लिए दोस्तों हमारे ऐसे दोस्तों क्लाइंट हैं जो कि हमें बोलें कि वास्तु हमें नहीं चाहिए फिर भी चलेगा लेकिन अभी उनको बहुत परेशानी हो रहा है जो कि अभी फिर से उनको तोड़ फोड़ करके उनको बनाना पड़ रहा है दोस्तों जो कि उनको डबल पैसा खर्चा करने के लिए पड़ रहा है दोस्तों तो उसी हिसाब से किचन और वास्तु आप कम से कम विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि उसको वास्तु के मुताबिक आप बनाइए दोस्तों ये हो गया पूरा टोटल हमारा प्लान अभी दोस्तों हम बात करेंगे इसमें आपका कितना पिलर रहेगा और कहाँ का पिलर रहेगा दोस्तों देखिए जो बॉक्स टाइप का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये इसका पिलर है दोस्तों आपका एक तो दोस्तों ये पूरी तरीके से आपका पिलर रहेगा दोस्तों पिलर अगर काउंट किया जाए तो आपका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह दोस्तों कुल मिला के यहाँ यहाँ पे आप लोगों को सत्रह पिलर दोस्तों मिलेंगे सत्रह पिलर में दोस्तों ये घर बन के पूरी तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना दोस्तों भूल गया यहाँ पे देखिए आप हॉल में चाहे पार्किंग में कहीं पे भी चाहे तो आप स्टेरकेस बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टेयरकेस मैंने मैंशन नहीं किया है आप चाहें तो हॉल में बना सकते हैं काफ़ी स्पेस स्वे आप चाहें तो पार्किंग में भी बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बाहर की तरफ से भी आप बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं दोस्तों इस तरफ 25 फीट इस तरफ आपका 45 फुट दोस्तों एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 1125 स्क्वायर फीट इसका पूरा एरिया है दोस्तों अभी दोस्तों हम इसमें बात करेंगे इसको बनाने के लिए दोस्तों आज के डेट में आप लोगों को कितना खर्चा पड़ेगा दोस्तों देखिए 1125 स्क्वायर फीट इसका एरिया है तो आप लोगों को बनाने के लिए पंद्रह लाख से सोलह लाख रुपया दोस्तों पंद्रह से सोलह लाख रुपया आप लोगों को खर्चा हो जाएगा मेटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट सब कुछ मिला गया दोस्तों फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक आप लोगों को पंद्रह से फिफ्टीन टू सिक्सटीन लाख आप लोगों को पड़ जाएगा दोस्तों दोस्तों ये था आज का हमारा घर का नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद